वेलकम टू माय चैनल कैंपिंग की। आप देख रहे हो शिवराजपुर बीच की सीरीज, ये इसका थर्ड पार्ट है। हम इधर आज नाइट रुकने वाले हैं, शाम से लेके नाइट तक हमने क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं वो आपको हम दिखाएंगे इस व्लॉग में। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और देखते रहिए हमारा व्लॉग। यहाँ पे काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जैसे कि बोट राइड, बनाना राइड, पैराशूट राइड और काफ़ी सारी राइड है। पर इसका मज़ा मोस्टली शाम को आता है, क्योंकि एक साइड सनसेट हो रही है, धूप भी कम हो रही है और हर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले रहे हैं। गुजरात में स्कूबा डाइविंग का स्पॉट एक ही जगह पे है, वो है शिवराजपुर बीच। अगर आपको स्कूबा डाइविंग करना है तो आप इधर बेझिझक आइए और स्कूबा डाइविंग का मज़ा लीजिए। तो देखिए आप शाम का शिवराजपुर बीच का नज़ारा और ठंडी ठंडी लहरें जो आ रही है, उसका आनंद ही कुछ और है। हमने हमारा कैंप का सेटअप कर लिया है, हम अभी हॉट एंड सर सूप पी रहे हैं, हमने बॉनफायर भी लगा दी है। आज मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची, हम तीनों इधर नाइट कैंपिंग करने वाले हैं। ठंडी ठंडी लहरें आ रही है, इसलिए हम थोड़ा बॉनफायर का मज़ा ले रहे हैं। हमने लाइट्स बिछा दी है और बेड भी बिछा दिया है कार में। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, आप देख रहे हो सन की छोटी छोटी किरणें। अभी इधर का टेम्परेचर 15 डिग्री है और रात को 10 डिग्री तक आ सकता है। हम छोटी छोटी लकड़ी जूनागढ़ से ही काट के लाए थे, ताकि इधर ढूंढनी ना पड़े और हम बॉनफायर लगा सके। ठंड में बॉनफायर बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि हम अपनी बॉडी की गर्मी बना सके और ठंड में रह सके, स्पेशली आउटडोर में। ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, मेरी वाइफ ने खाना पका लिया है, हम अभी बॉनफायर के मज़े ले रहे हैं। ये कैंप का पूरा नाइट व्यू है, हमने लाइट्स बिछाई है, फेरी टेल लाइट भी लगाई है और तीन लाइट लगाई है, एक टेंट के अंदर है, एक टेबल पे है और एक कार की डिक्की पे है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आज खाने में है पराठे, फूल गोभी की सब्जी, प्याज और टमाटर का सलाद, छाछ, सिकी हुई हरी मिर्च और धनिया के लिए है उसका फेवरेट मसाला मैगी।
चलो अभी हम खाने का लुत्फ उठाते हैं बीच पे। और कैसा लगा आपको हमारा नाइट का कैंपिंग सेटअप, वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।